हे गाइस, दिस इज़ मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लैनेट। आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है डिपेंडेंसी थ्योरी। तो अगर आपके पास इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट है तो उसकी मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ, जो कि आपको इनका जो लिंक है वीडियोज़ का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इंटरनेशनल रिलेशंस हो आपके पास या फिर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हो, दोनों के जो प्लेलिस्ट है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जिसमें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली बहुत सारी वीडियोस आपके हिसाब से मिल जाएंगी। आज हम बात करने वाले हैं जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है डिपेंडेंसी थ्योरी। तो डिपेंडेंसी थ्योरी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, हम इसको आज आसान भाषा में पढ़ने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। तो जो डिपेंडेंसी थ्योरी है, इसकी शुरुआत 1960 में हुई। राहुल प्रिबिश नाम के एक जो है रिसर्चर थे, उन्होंने अपनी एक रिसर्च दी 1960 के अंदर। उस रिसर्च के अंदर इन्होंने एक बात सामने रखी, इन्होंने बोला कि दुनिया के अंदर जितने भी अमीर देश हैं, उन सब का जो डेवलपमेंट है वो गरीब देशों की कीमत पर ही हुआ है। मतलब इसका है कि जो अमीर देश हैं वो गरीब देशों को एक्सप्लॉइट करके ही आगे बढ़े हैं। इसको आप आसान भाषा में ऐसे भी समझ सकते हैं कि दुनिया के अंदर एक ऐसा सिद्धांत बना हुआ है जिसके तहत जितने भी जो गरीब देश हैं, पुअर कंट्रीज़ हैं, वो अपने डेवलपमेंट के लिए पूरी तरीके से इन अमीर देशों के ऊपर निर्भर करते हैं। अब हम इस टॉपिक को और भी इजी समझने के लिए, डिटेल में समझने के लिए पहले कुछ टर्म्स को समझते हैं, ताकि जो हमें इस टॉपिक को समझने में मदद करेंगी। तो दुनिया के अंदर जो है आर्थिक आधार पर तीन पार्ट्स में देशों को कैटेगराइज कर रखा है। सबसे पहले आती हैं कोर कंट्रीज़, दूसरी है पेरिफेरल कंट्रीज़ और तीसरी है सेमी पेरिफेरल कंट्रीज़। हालांकि इनके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिसका टॉपिक था इमैनुअल वैलस्टीन की वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी जो थी, उसकी वीडियो के अंदर आपको इन तीनों के बारे में बहुत डिटेल में मिल जाएगा। तो ये वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में इन तीनों के बारे में बता देता हूँ। तो आप कोर कंट्रीज़ हैं उनको आप ऐसे समझ सकते हो जो आज के टाइम पर डेवलप्ड और रिच कंट्रीज़ हैं। ज़्यादातर इसके अंदर वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, तो ये सभी कोर कंट्रीज़ के अंदर आती हैं। दूसरी तरफ हम बात करें पेरिफेरल कंट्रीज़ की, तो ये हैं पुअर कंट्रीज़, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ भी हम इनको समझ सकते हैं। ज़्यादातर आपको एशिया और अफ्रीका के अंदर ऐसे देश देखने को मिल जाएंगे। तीसरे जो देश हैं वो हैं सेमी पेरिफेरल कंट्रीज़, इनको हम आसान भाषा में डेवलपिंग कंट्रीज समझ सकते हैं, जो पूरी तरीके से अंडर डेवलप्ड भी नहीं है और डेवलप्ड भी नहीं है, उनके बीच में मतलब विकास के रास्ते पर हैं। तो डेवलपिंग कंट्रीज समझ सकते हैं, जैसे इंडिया और चाइना। तो अब अगर आप इन तीन कंसेप्ट को समझ गए हो तो हम आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो डिपेंडेंसी थ्योरी कहती है कि ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ये जो कोर कंट्रीज़ हैं, इन्होंने ऐतिहासिक रूप से भी देखा जाए, हिस्टोरिकली भी अगर देखा जाए, तो इन्होंने क्या किया, जो पेरिफेरल और सेमी पेरिफेरल कंट्रीज़ हैं, जो गरीब देश हैं, उनके ऊपर अपनी कॉलोनीज़ बनाई, उनके ऊपर अपना उपनिवेशवाद शुरू किया, उनके ऊपर अपना मिलिट्री और पॉलिटिकल डोमिनेंस दिखाते हुए इनके जो नेचुरल रिसोर्सेज थे गरीब देशों के, उनके जो प्राकृतिक संसाधन थे, उनका इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए करते गए और उनका जो गरीब देश थे उनका एक्सप्लोइटेशन होता गया। हालांकि जो कॉलोनिज्म का दौर था वो आज के टाइम पे तो नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पे तो सभी देश आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन डिपेंडेंसी थ्योरी अब भी चल रही है। क्योंकि डिपेंडेंसी थ्योरी फिर कैसे पॉसिबल हुई, इसके लिए थ्योरी कहती है कि आज के टाइम पे दुनिया का जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था है, मतलब इंटरनेशनल इकोनॉमिक जो ऑर्डर है, वर्ल्ड ऑर्डर है, वो इस हिसाब से बना दिया गया है कि आज भी ये जो कोर कंट्रीज़ है ना, ये अब भी क्या करती हैं, जो गरीब देश हैं उनके नेचुरल रिसोर्सेज का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करती हैं। और इस कंसेप्ट को जो है डिपेंडेंसी थ्योरी नियो कॉलोनिज्म के नाम से जानती है, नव उपनिवेशवाद के नाम से जानती है। आगे बात करेंगे इसके बारे में, उससे पहले आपको बता देते कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको क्लास 11, 12th ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आसान भाषा में मिल जाएंगी। तो आप जिस भी क्लास में, जिस भी सेमेस्टर में, आप सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसकी प्लेलिस्ट को चेक कीजिए और अपनी प्लेलिस्ट के हिसाब से, अपने कोर्स के हिसाब से वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग हमसे पेड क्लासेस या पेड नोट्स आते हैं, उसके लिए भी आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अब हम कुछ और फीचर्स की बात करते हैं, जिससे कि आपको
जो कोर और पेरिफेरल कंट्रीज़ के बीच में जो रिलेशन्स है वो समझ आएगा और डिपेंडेंसी थ्योरी को आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो इसका हम समझते हैं कि जो कोर कंट्रीज़ हैं और जो पेरिफेरल कंट्रीज़, इसको हम रिच और पुअर में कैटेगराइज करके आपको समझाते हैं कि पुअर कंट्रीज़ के पास अपनी काफ़ी चीप लेबर होती है, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं होती है। लेकिन अगर आप देखोगे जो रिच कंट्रीज़ हैं, जो कोर कंट्रीज़ हैं, उनके पास अपनी टेक्नोलॉजी भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहती है। तो अब क्या है, आज़ादी मिलने के बाद कॉलोनिज्म तो आज के टाइम पे नहीं है, लेकिन आज भी क्या हो रहा है कि जो पेरिफेरल कंट्रीज़ हैं ये अपने नेचुरल रिसोर्सेज को इन अमीर देशों को बेचते हैं, जिससे कि उन नेचुरल रिसोर्सेज का फ़ायदा उठा के जो ऑलरेडी अमीर हैं वो और ज़्यादा डेवलप कंट्रीज़ बनते जाते हैं, वो और ज़्यादा अमीर होते रहते हैं। और अगर हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, तो अगर इनको टेक्नोलॉजी भी ख़रीदनी है इन देशों को, तो क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी के लिए भी पूरी तरीके से ये कोर कंट्रीज़ के ऊपर निर्भर हैं। तो दोनों तरीके से आप समझिए, टेक्नोलॉजीज़ के लिए भी इनको महंगे पैसे देके उन टेक्नोलॉजीज़ को ख़रीदना पड़ता है, और अपनी चीप लेबर को भी ये भेजते हैं इनके पास, जिसका फ़ायदा उठाते हैं वो जो कोर कंट्रीज़ हैं, और इनके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनका फ़ायदा भी, इनका इस्तेमाल भी कौन कर रहा है, ज़्यादातर इनका इस्तेमाल भी कोर कंट्रीज़ के द्वारा अपने डेवलपमेंट को और बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। अब थोड़ा सा और आगे समझते हैं इस साइकिल के बारे में, इस रिलेशन के बारे में, तो वो है फिनिश गुड्स को लेकर। तो होता क्या है कि जो कोर कंट्रीज़ हैं, जो अमीर देश हैं, वो क्या करते हैं, गरीब देशों से जो उनके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, उनको तो एक कम रेटों में, सस्ते रेटों में उनसे ख़रीदते हैं, और उन्हीं का फिनिश्ड गुड्स बना के उन प्रोडक्ट्स को महंगे रेटों में इन्हीं कोर कंट्रीज़ को, इन्हीं पुअर कंट्रीज़ को बेच देते हैं। तो अगर आप इसका साइकिल को देखोगे, ये साइकिल भी पूरी तरीके से जो रिच कंट्रीज़ हैं, जो कोर कंट्रीज़ हैं, उनको फ़ायदा पहुँचा रहा है। पहली मार तो गरीब देशों कहाँ पड़ रही है, कि उनको नेचुरल रिसोर्सेज को, जिसका इस्तेमाल वो खुद अपने डेवलपमेंट में कर सकते हैं, वो क्या करना पड़ रहा है, उनको बाहर के देशों को, कोर कंट्रीज़ को बेचना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी ही इन पैसों से चल रही है। दूसरी बात, वो जो फिनिश गुड्स यहाँ पर बन के आ रहे हैं वो उनको महंगे रेटों पर ख़रीदने पड़ते हैं। तो ये साइकिल भी बना हुआ है जो पूरी तरीके से डिपेंडेंसी थ्योरी को सही साबित करता है और बताता है किस तरीके से जो पुअर कंट्रीज़ हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन कोर कंट्रीज़ के द्वारा किया जा रहा है। अब लास्ट में बात करते हैं इकोनॉमिक इंटरेस्ट और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की, इसको भी समझिए आप। ये सिर्फ बात जो है आर्थिक रिलेशंस तक, इकोनॉमिक रिलेशंस तक सीमित नहीं है, पॉलिटिकली भी अगर आप देखोगे तो इंटरनेशनल रिलेशंस के लेवल पर, तो ये जो कोर कंट्रीज़ हैं ये पूरी तरीके से इन पुअर कंट्रीज़ के अंदर, इनके डिसीजन मेकिंग के अंदर भी क्या करती हैं, काफ़ी हद तक इंटरफेरेंस करती हैं। क्योंकि कई बार ऐसे देखने को मिलता है कि जो पुअर कंट्रीज़ हैं, जो पेरिफेरल कंट्रीज़ हैं, वो क्या करती हैं, अपने डेवलपमेंट के लिए इनसे लोन्स लेती हैं कोर कंट्रीज़ से। तो इनको लोन मिल जाता है जिसकी वजह से ये उनके कर्ज़दार हो गए, जिसके जवाब में होता क्या है, जो कोर कंट्रीज़ हैं वो ज़बरदस्ती क्या करते हैं, इनकी पॉलिसीज़ को, इकोनॉमिक पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी को क्या करते हैं, पूरी तरीके से प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, इनके अंदर इंटरफेरेंस करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से भी देखा जाए तो इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर इन कोर कंट्रीज़ ने पेरिफेरल कंट्रीज़ के ऊपर अपना पूरी तरीके से दबाव बना के रख रखा है। तो ये पूरा टॉपिक था, मैंने आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाया। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, और ऐसे ही आसान भाषा में वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।